आप देखिए रात की एक छटा आप और ज्यादा दोगुनी चमचमाती हुई आपको नजर आने वाली है। सुबह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जितनी आपने साजो सज्जा देखी है उससे दुगनी खूबसूरती आज आप अयोध्या में शाम के वक्त देखेंगे। दीप प्रज्वलन यहां पर किया जा रहा है, दीपावली जैसा दृश्य है। जिस प्रकार आपने देखा है अयोध्या से ही शुरुआत होती है दिवाली की, तो शुरुआत रामलला के दरबार से अलग अलग मंदिरों में आप देखेंगे दिए जलाते हुए लोग आपको नजर आएंगे, क्योंकि दीपावली सही मायने में तो आज ही भारत में है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आज नए सिरे से एक नए अध्याय का आगाज। जिस प्रकार प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस बात का जिक्र रहा है कि अभी ये अंत नहीं है, राम राज्य की प्रेरणा लेकर इस युग में आगे बढ़ना है और हो सकता है कि इन दीपों की ज्योति हर उस देशवासी के मन में जगे जो भगवान राम से प्रेरणा लेना चाहता है, आने वाले समय में अपना जीवन उसी प्रकार से व्यतीत करना चाहता है जिस प्रकार का मार्गदर्शन प्रभु राम की तरफ से दिया गया है। तो आज बहुत बड़े स्तर पर दीपोत्सव के कार्यक्रम पूरे देश भर में आपको नजर आने वाले हैं। अयोध्या से आगाज हो चुका है आज की खास दीपावली का। दीपावली यानी कि भगवान राम अयोध्या लौटे हैं, बहुत लंबे संघर्ष के बाद लौटे हैं और इसलिए इस प्रकार के नजारे बहुत आम हो जाने वाले हैं। अयोध्या की तस्वीरें, अलग अलग लोग आपको नजर आएंगे जो यहाँ पूरे भक्ति भाव के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल जरूर होने पहुंचे, लेकिन अभी भी इस महोत्सव का अंत नहीं, आगाज है। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर, तमाम श्रद्धालु एक साथ सरयू के तट पर, घाटों पर दीप प्रज्वलन करते हुए। अमूमन दिवाली पर आपको ये दृश्य देखने को मिलता है, लेकिन अब परम सौभाग्य हर एक देशवासी का कि आज ये दृश्य देखने को मिला है और निश्चित ही एक ऐसा क्षण जो इस युग का हर व्यक्ति चाहता होगा कि जरूर देखें। बहुत सौभाग्यशाली ये पीढ़ी इस दृश्य को खुद अपनी आंखों से आज दोपहर सभी ने देखा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला का आगमन पूरी भव्यता के साथ, श्रृंगार की तस्वीरें आपने देखी और अब ये श्रद्धालुओं की भक्ति भी आप देखिए। दीपावली जैसा दीप प्रज्वलन, क्योंकि नए सिरे से आज एक युग का आगाज और असल मायनों में आज रामलला अयोध्या वापस लौटे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नजारा, अलग अलग शहरों से जैसे जैसे तस्वीरें आना शुरू होंगी हम सीधे आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अयोध्या से ही सही मायनों में दीपावली का आगाज होता है। तो ये एक और खूबसूरत तस्वीर आप खींचेगी स्क्रीन पर, अलग अलग जगह अलग अलग नदियों के घाटों को सजाया गया, सरयू की ये तस्वीरें, पावन बहुत ही पवित्र और बहुत ही दिल को छू लेने वाला ये दृश्य। इस प्रकार जगमगाई अयोध्या नगरी, मानिए जैसे दिवाली हो और असल मायने में चूंकि आज दिवाली है भी, तो अलग अलग दृश्य निरंतर सामने आते हुए सीधे तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से हर एक पल, जिसे आप निश्चित ही पूरे जीवन भर याद रखने वाले हैं। आंखों में सजो लीजिए आज के इस दिन को, क्योंकि ये दिन वापस लौट के नहीं आएगा। बहुत ही सौभाग्यशाली हर एक व्यक्ति जो इस दिन को अपनी नजरों से देख पा रहा है। जब आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों को इस बात की कहानी सुनाएंगे कि कैसे श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब आप निश्चित ही इन दृश्यों को जरूर अपने दिल में जरूर रखेंगे और जब इन दृश्यों को बयां करेंगे तो हो सकता है कि इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी आपकी अगली पीढ़ी भी हो। तो दीपोत्सव, दीपावली की खास तस्वीरें, और जब भारत में कहा जाएगा कि दीपावली कब है तो दो दीपावलियों की बात होगी, क्या अच्छे से कहें तो तीन दीपावली, एक देव दीपावली, एक मुख्य दीपावली और एक ये दीपावली जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सही मायनों में भगवान राम पधारे हैं अयोध्या 22 जनवरी का दिन। इतिहास को जब पलट कर देखेंगे बहुत ही बड़ा महत्व अपने आप में रखेगा। दोनों ही खूबसूरत दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही तरफ मां सरयू की आराधना, भगवान राम के आने की खुशी। भले ही वहां पर आप देखें कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, इसके बावजूद किसी प्रकार की उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं। और अगर सही मायनों में आप समझें तो अगर उस युग में टीवी चैनल्स
या इस प्रकार के दृश्य पहुंचाने की कोई सुविधा होती तो इसी प्रकार का नजारा मानिए सामने आता जो आज आप सही मायनों में देख रहे हैं। अयोध्या जहां राम कण कण में बसते हैं, आज फिर बसेरा इसी नगरी में भगवान ने ढूंढ लिया है। और जब उस युग में भी राम आए होंगे तब निश्चित ही इस प्रकार का नजारा देखने को मिला होगा। और अब तो ये श्रद्धा भाव दोगुना होता हुआ क्योंकि शाम का वक्त दीपोत्सव की तैयारी हर ओर नजर आती हुई दीपावली के सही मायने आज हर एक देशवासी के मन को छूते हुए। पल पल में युग युग में हर क्षण। तो ये तस्वीरें निरंतर आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, हाजिर होते हैं फौरन।